है कि हम जिस पद पर बैठे हैं उस पद पर से हट करके अपने उत्तराधिकारी जो भी हैं, बेटे हैं, बहुएं हैं, उनको जिम्मेवारी सौंप दें, ज्यादा उनके कामों में दखल ना दें, क्योंकि हमारा काम करने का तरीका कुछ और था, नव युवकों का, युवा पीढ़ी का तौर तरीका और है। अब हम जबरदस्ती अपनी बुद्धि उसमें मिलाएंगे तो तकरार होगी, घर में ही झंझट शुरू हो जाएगी, फिर बुजुर्ग कहेंगे कि हमसे ऐसा कहते हैं, हमें जवाब देते हैं। अच्छा है कि धीरे धीरे उनको सौंपते चलिए, धीरे धीरे अपने को हटाते चलिए। पहले ऐसा नियम अभ्यास बनाइए कि कुछ समय तीर्थों में बिताइए, किसी भी तीर्थ में जहां अच्छा लगता हो। आप जो है वृंदावन में रहें, हरिद्वार में रहें, ऋषिकेश में रहें, अयोध्या जी में रहें, जहां भी हो सके धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए कि हम तीर्थों की ओर बढ़ें। तीर्थों की ओर बढ़ने लगिए, पहले साल में एक महीना, फिर धीरे धीरे साल में दो महीना, मिड्ढा जी अभ्यास बढ़ाते जाइए, उधर से ममता हटाते जाइए, इधर बढ़ाते जाइए। इसीलिए हम कहते हैं भैया जो स्थाई नहीं भी रहना चाहते वो भी अपनी कुटिया बनवा लीजिए, कोई बात नहीं है, कुटिया रहेगी तो पहले साल भर में एक दो बार ही आना होगा, पर धीरे धीरे साल भर में महीने दो महीने रहने लग जाएंगे, पर छह महीने रहने लग जाएंगे, घर से पूरी तरह ममता मोह हटा करके और पूरी तरह ब्रजवासी बन जाए, पूरी तरह आकर के धाम में बस जाए, ठाकुर जी के आश्रय में रहने लग जाए। तो ये तो व्यवहारिक पक्ष हुआ, आध्यात्मिक पक्ष क्या है? इसका आध्यात्मिक पक्ष यह है कि हम जिस पद पर बैठे हैं उस पद पर राम जी को बिठा दें। माने अपने आप को घर का मालिक मानते हैं, दुकान का मालिक मानते हैं, अधिकार जहां हमारा है वहां अधिकारी अपने आप को समझते हैं, उस पद पर हम ना बैठे, हम ठाकुर जी को बिठा दें। किन्नर पजो बराज राम कह दे हो, किन्नर पजो बराज। अब अपना जो अधिकार है वो राम जी के, मानी अब हम ये माने कि घर के मालिक हम नहीं हैं, हमारे घर के मालिक राम जी हैं। मिड्डा जी ज्यादातर जो हार्ट अटैक हैं वो किसको आते हैं, मुनीम को कि सेठ जी को? सेठ जी को ही आते हैं, क्योंकि हानि लाभ में सेठ जी फंसते हैं, मुनीम को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपनी पगार लेता है, ईमानदारी से काम करें ये उसकी जिम्मेवारी है, लेकिन लाभ हानि में सेठ जी फंसते हैं, मालिक फंसता है। जब तक हम अपने आप को किसी वस्तु का मालिक मान रहे हैं तो उससे प्रभावित होते हैं, थोड़ा लाभ हो गया तो बड़े खुले फूले फूले घूमते हैं, हानि हो गई तो डिप्रेशन में चले गए। लेकिन मालिक अपने आप को ना माने, मालिक राम जी को मान ले, मेरे प्रभु मालिक है, मैं तो उनका मुनीम हूं, मैं मालिक नहीं हूं, मालिक वो है। अब उनको लाभ कराना है कि घाटा कराना है वो जाने, मैंने तो अपना जीवन उनके हवाले कर रखा है।